नमस्कार। मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों का जमकर विरोध हुआ। आलम यह रहा कि किसान बोरिया बिस्तर लेकर सड़कों पर आ गए। दिल्ली के तमाम अहम बॉर्डरों को घेर लिया गया और आंदोलन किया गया। साल भर चले इस आंदोलन के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे आकर सबके सामने ये कहा कि वो किसानों के हित में कृषि बिल को लेकर आए थे, लेकिन किसान भाइयों को इसके बारे में समझाने में नाकाम रहे, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हालांकि किसान आंदोलन करते करते तब तक कई किसान अपनी जान गंवा चुके थे। इस दौरान कई अप्रिय घटना भी हुई जिसने न सिर्फ जनता को परेशान किया बल्कि किसान आंदोलन को भी बदनाम करने का काम किया। पिछले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला और आईटीओ पर जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ उसे भला कौन भूल सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने मोदी सरकार को भी सवालों के घेरे में ला दिया। लखीमपुर खीरी का वो घटनाक्रम सबको याद होगा जिसमें एक गाड़ी द्वारा किसानों को कुचल दिया गया था। इसका सीधा आरोप लगा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर। काफी बवाल मचने के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। गुरुवार को आशीष मिश्रा के लिए राहत की खबर आई और हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। लखीमपुर हिंसा मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने की खबर ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। हाईकोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है। बहरहाल टेनी के बेटे को भले ही राहत मिल गई हो लेकिन किसानों में इस फैसले को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी केस के बाद खूब बवाल मचा था। कहा जाने लगा था कि टेनी को भी पद से इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर मोदी सरकार को घेरा था। इस बीच खुद टेनी आगे आए थे और कहा था कि अगर बेटे की गलती साबित होती है तो वो खुद पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, उनके बेटे को जमानत मिल गई है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।